अभी अभी फ्रेंड्स मैंने कैमरा निकाला ना, मेरे बैंक कार्ड वहीं पे गिर गया। अब यहाँ पर फोन से भी लोग पैसे निकाल सकते हैं। हाय मेरा साथ चढ़ गया। अभी मैं साहब को बोल रही थी मेरे पास सब कुछ है मैंने, और मैं इनके लिए बना दूंगी चिकन, ठीक है। अभी हम डाल देंगे मटर और आलू, डाल देते हैं गोल। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? हम सब ठीक हैं। 8 बज गए हैं, हो गए हैं रेडी। इधर लवलीन है, ओ गॉड ब्लेस यू। और मैं भी हो गई हूँ, क्योंकि अरमान को छोड़ने जाना आज थोड़ा ठीक लग रहा है, पर घर पर बहुत तंग करता है। कल इसको बुखार भी नहीं था फिर भी रोता रहा। मैंने कहा चलो बुखार नहीं है, जितनी देर खेलेगा ठीक है, टीचर को बोलूंगी फोन कर दे तो मैं ले आऊंगी। स्कूल ने पैसे अभी बैठा रेडीमेड, अभी बैठा रेडी होकर। और अवलीन तो फिर मैं पैसे क्यों ले आया, क्योंकि हर साल ना जैसे आपके क्रिसमस है, हमारे नवंबर में दिसंबर में दिसंबर 5 में सेंट क्लास है। हाँ, तो उसके लिए स्कूल ना पैसे देता है इनको 5-5 यूरो, और ये ना लॉटरी निकालते हैं, पर्चियां डालते हैं, और जिस नाम की पर्ची आती है उसके लिए गिफ्ट बनाना होता है। Yes. और अवलीन को भी बनाना है। Make something out of cardboard and then put the gifts in it. So 5 यूरो के गिफ्ट ही चाहिए पूरे। और गाइस मैंने ना अब मेरी ना बेस्ट सेली चिट्ठी की निकाल दी थी। हाँ। तो फिर मेरा मुंह खोल के ऐसे मैंने सोचा मेरी बेस्ट सेली। हाँ, इसकी एक ही फ्रेंड है, इसको वो ही मिली और इतनी खुश है। तो कोई बात नहीं बेटा, जाएंगे ठीक है। और बाहर आज बारिश है तो मैं अरमान को पहले स्कूल छोड़कर, अरमान खा लो थोड़ा सा बेटा, ऐसे करता है मेरे को ऐसे कि भूखा जाएगा, थोड़ा सा दूध ही पिया, क्योंकि 12 बजे आएगा वहां पर जाके खेलने लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ले आऊंगी। मेरा आज ढेर सारा काम पड़ा है, देखिए ढेर सारे कपड़े मैंने उतारने आकर ये वाले सुखाने हैं, और आज मैं अरमान ने कुछ नहीं करने दिया, बर्तन वगैरह वैसे ही पड़े हैं, तो आके सारी क्लीनिंग करती हूँ मैं, पहले छोड़ आऊँ इनको। देखिए सुबह के 8 बजे पर अंधेरा सा लग रहा है और ऊपर से बारिश हो रही थोड़ी थोड़ी। अरमान को मैंने अच्छे से कोट पहनाया, अंदर कोटी पहनाई है, तो चलते हैं इसको छोड़ने स्कूल। अवलीन भी आ रही है, आज हवा तेज है। कल मैं बाहर नहीं निकली, मन खुशी नहीं हुआ, सारा दिन घर पर रही अरमान के साथ ना, तो आ जाओ। अलीजा तो कब की गई है। अवलीन रह गया, 8:10 हो गए, 8:30 तक अरमान को छोड़ना, 8:30 अवलीन का स्कूल लगेगा। हाँ पानी है बेटा, बारिश हुई है ना, मैंने सोचा ज्यादा बारिश हुई तो कैसे जाऊंगी छोड़ने, पर चलो रुक गई है। हाँ यहाँ पर बारिश होकर रुकी। हाँ बैठ जाओ आराम से अरमान। अरमान को मैंने छोड़ दिया, मैंने टीचर को बोला, मैंने कहा अगर अरमान ठीक ना लगे तो मेरे को फ़ोन कर देना, मैं ले आऊँगी, क्योंकि कल घर पर था तो कोई काम नहीं हुआ, कपड़े इतने हो गए थे ना। अभी दिखाती हूँ आपको, देखिए ये मैंने सारे 20 मिनट लगा कर लपेटे हैं, अभी प्रेस करने वाले अलग निकाले हैं और दूसरे सारे लपेटे हैं, और इधर सारे सुखाए हैं, ये बाहर जाएंगे और ये अभी मैं रख के बास्केट में ऊपर ले जाऊंगी और फिर जाकर इनको संभालती हूँ। पहले मैंने कहा यही काम करूँ, बाद में सफाई करूँगी। तो पहले अलीजा अवलीन के रखेंगे दोनों के अलग, अवलीन के आज ढेर सारे हैं, अलीजा के तो कम है। पहले यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगी, फिर इनको संभालूंगी और फिर ऊपर की सफाई करूंगी। एक ये हो गया और अभी एक दूसरा ये रह गया, दूसरे नंबर की बारी है, इसमें साहब के और अरमान के हैं। ये देखिए साहब के हैं, मैं तो फिर रोज नए कपड़े मैं चेंज करती हूँ रोज ही कपड़े, क्योंकि खाना बनाती हूँ ना तो मेरे को लगता है खराब हो जाते कपड़े। अरमान स्कूल जाता उसके भी रोज चेंज करती हूँ, लीजा भी चेंज करती है, हमारी आदत ही चाहे गर्मी चाहे सर्दी कपड़े चेंज करने ही करनी है हर रोज। चलो ये दो बास्केट हो गई,
ये दो भर गई हैं, ये आएंगी ऊपर अभी और मैं करती हूँ क्लीनिंग। देखिए बर्तन पड़े वहाँ पर, पहले वो करती हूँ फिर वैक्यूम करूँगी, उसके बाद फिर पोछा लगाऊँगी। बाहर बारिश ही आ रही है पर ये वहाँ जाएंगे शेड के नीचे, छत के नीचे रख देती हूँ इनको मैं। अभी हम लगाते हैं पोछा, सफाई हो गई है बस, अच्छे से क्लीन कर देता है। बार बार निचोड़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती, बस एक बार करो। गीला पानी इसमें डल जाता पर मैं डालती नहीं, जरूरत नहीं ज़्यादा, एक बार क्लीन करके लगा लेती हूँ और सारी क्लीनिंग हो जाती। सुबह के बज गए 11 और हम लोग चलते ग्रोसरी करने। मैंने साहब को कहा मेरे साथ ग्रोसरी ले आओ, फिर बाद में अरमान आ जाएगा ना तो फिर मैं नहीं जा पाऊँगी। एक तो बारिश हो के रुकी है और बाहर आजकल बहुत ठंड हो गई है, तो मैंने फिर से कोटी पहन ली। आप लोग कहते हैं आपके घर में हीटिंग नहीं है, दीदी हमारे घर में हीटिंग है फ्रेंड्स। पता क्या है, जो नीचे फर्श है ना उसके नीचे है, पर हम लोग ज़्यादा नहीं चलाते, जैसे सुबह 2 घंटे शाम को। अगर हम सारा दिन चलाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अंदर, और ऊपर से फिर बाहर जाते हैं, बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता कि हम लोग बाहर निकलें। तो हम लोग थोड़ा सा बैलेंस बना के रखते हैं, रात को बच्चे भी नहीं सोते अगर ज़्यादा मैं गर्म कर दूँ तो इसलिए मैं थोड़ी सी स्वेटर पहन लेती हूँ दोपहर को 2 घंटे। बच्चों को तो ठंड लगती नहीं क्योंकि अंदर इतनी ठंड नहीं होती ना, बाहर ठंड ज़्यादा है, तो इसलिए मैं हमेशा स्वेटर पहन के रखती हूँ। तो अभी हम लोग चलते हैं ग्रोसरी करने। बारिश स्टार्ट हो गई है यानी, देखना पानी में कितना। वाह, पानी में गिर रही है बूंदे। चलो भाई, बहुत ठंड, आज तो बर्फ मुंह पर आ रही है। अभी अभी फ्रेंड्स मैंने कैमरा निकाला ना, मेरे बैंक कार्ड वहीं पे गिर गया। अब यहाँ पर फोन से भी लोग पैसे निकाल सकते हैं। हाय, मेरा साथ चढ़ गया। अभी मैं साहब को बोल रही थी मेरे पास सब कुछ है, मैंने वहाँ पर ब्रिज के पास निकाला, जे तो कोई ले गया तो फिर हमको अभी बैंक फोन करना पड़े। मैंने कहा ना मैं पैसे ले आऊँगी। हाय भगवान, पानी में भी गिर सकता है। मैंने वहीं पर निकाला, साहब को भगाया, मेरा साथ चढ़ गया। है भाई गुरु मिल जाए। मैं लेके नहीं आती, मैं पर्स लेके आती। आज मैंने सोचा पर्स का क्या कर, वहीं पे होगा, हुआ तो या पानी में गया, कुछ भी हो सकता है, कोई ले गया भाई। देखो हाय रब्बा, नहीं है। हाय फिर कोई ले गया, फिर कोई ले गया। हाय मेरे, हाय मेरी कंपनी का था। हाय गुरु, अब इससे जल्दी से कार्ड को ब्लॉक करना पड़ेगा, नहीं लोग पैसे निकाल लेंगे। इत हजे हूं तो कटिया से इतने पानी च तो नहीं गया। हैलो इत डिग गया होना जा बिच गया, इतने खड़ी सी बस मैं। हाँ यार बस सवेरे सवेरे की प्रॉब्लम होगी। हाँ हूँ बैंक को फोन करना पैना, हैलो बंद करवाना पैना कार्ड या, क्योंकि मेरी जेब च सी मैं लेके आई हूँ, बंद करा दो कोई ले गया चक के। नहीं मैं इत्थे आके तो कढ़िया, नहीं नहीं मैं इत्थे ही कढ़िया। चल घर तक वेखदे आ, जो शायद मिल जाए, पर मैनूं लगदा नहीं मिलूगा। हाँ अपना स्कूल टाइम भी हो गया अरमान दा। हाय ओ ना ऐसे ना मैंने इस जेब में डाला था। हाँ चलो 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 चलो, वो तो नहीं है। अभी हमने घर पर आके देखा है फ्रेंड्स, हमने बैंक पास को ब्लॉक कर दिया, अभी ये ब्लॉक कर दिया हमने। अब हाय भगवान, मैं कहाँ से कहाँ निकली, मैंने ऐसे कैमरा निकाला और ऐसे करके मेरा, मेरे को ऐसे था कोई ना निकाल ले ज्यादा, सुबह सुबह टेंशन हो गई। चलो कोई बात नहीं, अभी हमने बंद कर दिया, अब नया आ जाएगा। पता क्या है एक्चुअली उसी पे तो हम पैसे रखते अपने हैं और वो ही पास्ता। बीडी पियर रिलैक्स करो। हाय हाय चलो जाकर लेके, और मान आ जाएगा 12:15 हो। बीडी पियर रिलैक्स करो।
चाबी तो दो फिर गेट खोल। हजा लेके हाय, मेरे को लगता पानी में गिर गया। हाँ पानी में गिर गया। मैं वैसे कभी नहीं लेके जाती फोन के साथ ही, पैसे हमेशा हम लोग करते हैं। आज साहब कहते पैसे निकालो महीने का खर्चा, तो मैंने कहा चलो मैं लेके जाती हूँ मेरा बैंक पास। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो ज़्यादा नहीं कर सकते थे क्योंकि हम जो हम वैसे रखते हैं ना कार्ड, 50 यूरो से ज़्यादा नहीं कर सकते। और मेरे को डर लग रहा, मैं कहा सारा ही ना ले जाएं भाई, क्या पता अभी बैंक ने कुछ कर दिया हो। तो अभी हम चलते हैं, दोबारा से 12:45 हो गए। मैंने कहा साहब को मत देखो, मैंने पानी के पास ही निकाला था, मैंने यहाँ पर चेक किया था। मेरे को पूछ रहे थे, कहते आपके पास है बैंक पास, मैंने कहा हाँ है, मैंने चेक किया, चाबी भी है, सब कुछ है। आज मैं दूसरा जो जैकेट पहना ना नए वाला, इसमें से निकल गया। तो चलिए ग्रोसरी करके आते हैं, ये वाला बटर लेते हैं अभी हम, 2.5 यूरो की एक टिक्की है। पिछली बार हम 5-6 लेके गए थे। अभी मैं देखती हूँ सलाद। हाँ ये ले लो ना, ये सब। ये भी नाइस है। हाँ ये भी अच्छा है, इसमें सब मिक्स है। हाँ थोड़ा सा रो सलाद है कच्चा, मशरूम मैंने ले लिए। हाँ देखना हमारा सामान, ये सारा हमारा ही है। हाँ मेरी चाय पत्ती भी मिल गई आज, बड़े वाला डिब्बा, काफी टाइम नहीं मिला आज मिल गया। तो चलिए जल्दी से करके पैक चलते हैं। आकर मैंने उबाल दी है एग, मैंने कहा बच्चों को एग देते हैं। और कल वाली सब्जी भी मैंने गरम कर दी है, अच्छे से पका दिया उसको, इसके साथ एग खाएंगे। और मैं लेकर आई थी दूसरा ब्रेड, ताज़ा ब्रेड बनता है ना बेकरी पर, तो मैंने कहा आज अवलीन को वो देते हैं। ये सलाद भी ले सकते हो बेटा, एग आपने खा लिया, ये सलाद डाल लो थोड़ा सा। नहीं मैं ये डालूंगी। वो आपका चीज है, वाह आराम से काटो। क्या नहीं काटी वो ना, थोड़ा सा यहाँ पर ना ऐसे हो गया। अरमान भी आता ही होगा, बारिश बहुत, सारे भीग गए बैंक पास के पीछे, हम लोग बहुत दौड़े बेटा, सारा टाइम खराब हो गया। लाओ भाई अरमान आ गया, आराम से बैठा, अभी देखती हूँ कैसी है तबीयत, टीचर ने फोन तो नहीं किया। आले बाबा, मम्मा, अरमान कैसे आपने ड्रॉइंग बनाई? कैसे कैसे टीचर ठीक है? अरमान की तबीयत, खाया पिया कुछ स्कूल? नहीं कुछ नहीं, हाँ गिल्ला हो गया, बारिश है ना बेटा। चलो फिर कोट उतार दो, थोड़ा खाया। हाँ सुबह भी कुछ नहीं खाया, दूध पी के गया था। जाओ शूज उतार दो बेटा, या खाना खा लेना, जाओ शूज उतारो। चलो मम्मा संभाले सामान। 3 बज गए और अरमान आज बैठा ही है, तो मैंने साहब को कहा आप जिम करके उसके बाद अरमान के पास बैठो और मैं घर का काम करती हूँ। आज मैं इसको गोदी में लेकर बैठी रही, 2 घंटे हो गए हैं, इसका मन ठीक नहीं है तो कहता मेरे पास बैठे रहो। एक जने को इसके पास बैठना पड़ता है। अवलीन आ गई है तो मैंने कहा अवलीन बर्तन निकाल देगी और मैं इनके लिए बना दूंगी चिकन, ठीक है अवलीन? रोज रोज बाहर का खाना भी ठीक नहीं। हाँ देती हूँ, वो उतार कर गया अरमान अभी। ले अरमान पाला पुत्तु, सॉक्स पाला, मेरा उधर तड़का सड़ दो, सी पा दो। ए फीस नहीं पुत्तु, गंदियां थोड़ी है, ये तो वधिया सॉक्स है। मैं उन्हें एक मिनट, मेरा तड़का हो जाए। ले अवलीन साइड हो पुत्तु। अवलीन को मैंने बोला, मैंने कहा चलो जल्दी से आप मेरे लिए काम करो,
मम्मा ये क्या रखेंगे? ये कुकर मैं रख दूंगा, आप वो ड्राई कर दो, ठीक है? इधर मैंने तेल चढ़ाया, बस अभी हम तड़का लगाते हैं। रोज रोज बाहर से ऑर्डर करेंगे तो भी स्वाद नहीं लगता बच्चों को, तो फिर मैंने कहा मैं ही बना देती हूँ, कोई बात नहीं, साहब 10 मिनट उसके पास बैठ जाएंगे। कहता मेरे को बाहर लेकर चलो, पर बाहर आज ठंड है, 4 डिग्री आज, अब टेम्परेचर नीचे गिर गया, 4 डिग्री हो गया, ऐसे लगता जैसे बस बर्फ पड़ेगी। इस लीजा ने बोला था इस वीक बर्फ आएगी, स्नो पड़ेगी। अवनीन आपने पूरा तो उठाया नहीं, आधे काम करके चले गए आप। मैं कुकर को सेट करके रखती, मैंने चने उबाले थे तो वही बस। ओके रखू सारा सामान। बच्चे हैं ना, आधा छोड़कर चले गए, कोई बात नहीं, आना मैं करती हूँ, मैं लगा दूँ तड़का, उसके बाद फिर देखती अरमान को। बच्चा कुछ खाए ना तो मन खराब ही रहता, उसने कुछ नहीं खाया पिया, दूध पिया था सुबह, स्कूल पर भी टीचर ने खाया नहीं, खेलता रहा, घर पर आकर तो बैठा ही है बस। तो अभी हम बनाते हैं कड़ी। सबसे पहले हम डालेंगे जीरा, ज़्यादा नहीं क्योंकि अवलीन नहीं खाती, सूखी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, और गार्लिक। हाँ हाँ कुछ नहीं डालूंगी, टेंशन मत लो, ना कुछ नहीं पाए। अभी हम डाल देंगे अनियन, मैंने कर लिया लहसुन को, थोड़ा सा इनको भूनते हैं, उसके बाद डालेंगे मटर और आलू। मैंने कहा थोड़ी सी सब्जी डाल देते हैं, बच्चे खा तो लेंगे। अभी हम डाल देंगे मटर और आलू, इनको भी थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद फिर दही वाला घोल डालेंगे जिसमें मैंने सब कुछ मिला दिए। हमारे मटर और आलू पक गए और अभी हम डाल देते हैं घोल। चलो अभी इसको धीरे धीरे ढककर पकाते हैं, थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी, मेरे को कम लग रहा है क्योंकि बेसन है ना। अब इसको धीमी आंच पर पकाएंगे। मैं इतने देर आटा गूंद लेती हूँ, हमारी कड़ी बनती रहेगी, ज़्यादा नहीं ढकेंगे नहीं तो बाहर आ जाती है ना। कड़ी हमारी हो गई है रेडी, कितना अच्छा कलर आया इसका। चलो भाई अभी हमें खाऊंगी इसके साथ, तो बस कड़ी वैसे ही फ्रेंड जैसे मैंने तड़का लगाया, उसके बाद आधा घंटा उसको पकाया, 2 बड़े चम्मच डाला बेसन और 1.5 कौली डाली दही, ऐसे मिक्स करके बना दिया। मैं खा कर देख ली, मैंने बहुत टेस्टी है। तब वैसे रोटियां बना दूं, अवलीन की फ्रेंड आ गई खेलने, उसको ले गई बाहर, अरमान फिर से बाहर गया, 6 बजने वाले हैं और खाना रेडी है, बस एलिजा को बुलाती हूँ, उसको दे देती हूँ, बाद में अवलीन और अरमान आकर खा लेंगे। अरमान की सॉक्स में से ना सुराग खा फट गई है अरमान की सॉक्स, और कहता मम्मा मेरी सॉक्स फट गई, कोई बात नहीं नहीं ले आएंगे, ठीक है। और ये है मेरी रोटी, इनके लिए मैंने दूसरियां बनाई है, मेरे लिए ये, बच्चों के लिए मैंने खाना डाल दिया, रोटियां हमारी बन गई हैं। अरमान को लीजा भी इनके पास खेल रहा है, मैंने कहा जल्दी से खाना बना दो, अभी देती हूँ बच्चों को खाना।
अभी तो बस अंधेरा हो जाएगा यहाँ पर, 5 बज गए हैं, 5 बजे अंधेरा हो जाए। अरमान को पूछ रहे हैं कि अरमान किसके साथ खेला है, अलीसा किसके साथ खेला, क्या गिरा दिया, खाए हो फिर नीचे लग जाएगा उधर, पकड़ लो, हाँ पकड़, उठा दो बेटा उठा दो, अवलीन क्या बन गई, स्विमिंग कर ली अवलीन, देखना नानी मम्मा का चार बस थोड़ा ही है ना, खत्म हो जाएगा, साहब खाते हैं रोटी के साथ, मैं तो कभी कभी खाती हूँ, रोज नहीं खाती। चलो भाई अपनी अपनी प्लेटें उठाओ, अलीजा अवलीन और मैं, बस बना दिया आज अरमान ने, बनाने नहीं दिया फिर भी बनाया, मैंने कहा कहाँ ऑर्डर करेंगे रोज हम, उठा दो बेटा सारा थल नीचे से खिलौने अरमान के, उठाओ, नहीं ऐसे नहीं करते, सर्दियों में ना दिन इतने छोटे होते हैं ना, दिन का पता ही नहीं चलता कब निकल जाता है, बस अंधेरा भी हो गया, सुबह शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया, तो अभी मैं करती हूँ पहले क्लीनिंग, क्योंकि दो टाइम करनी पड़ती, बच्चे छोटे हैं ना, मैंने कहा लास्ट में ब्रेड भी निकाल के रख दूँ अलीजा के लिए, ये ना ब्राउन ब्रेड है मल्टीग्रेन वाला, मैं आज ताजे ही लेकर आई थी जब मैं सुबह ग्रोसरी करने गई थी, तो अभी मैं निकाल के रख देती हूँ, सुबह उसका फिर अलीजा अपना बनाएगी और लेके जाएगी, मैंने इसके लिए एग भी उबाल के रखा है, मैंने कहा एग ले जाना बेटा सलाद डाल लेना, अभी इसकी मर्जी है कि जैसे इसको पसंद है वैसे लेके जाएगी, वैसे हाँ बच्चे ज़्यादातर बस चीज़ के साथ ब्रेड ही खाते हैं, वही लेके जाते हैं स्कूल पर ना, वहाँ कंटीन है पर जाती नहीं डर के मारे, अभी छोटी है ना, थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी फिर जाते नहीं ना आप कंटीन, आपके वहाँ खाना मिलता है ना स्कूल में, क्या क्या मिलता है, ब्रेड और नूडल्स मिलती है, ब्रेड मिलता है, और इंडिया में समोसे मिलते हैं, समोसे गोल गप्पे पता नहीं क्या मिलता है, मैं ऐसे हंस रही हूँ, करण के स्कूल में मिलते थे, कहते थे मिलते थे छोले समोसे और एक आधी चीज़ और कहता हमारे मिलती थी कंटीन में, इधर तो बस वही जो देश खाता है वैसा ही सामान है, यहाँ पर तो ब्रेड ही खाते हैं, वही अंडा ब्रेड होगा उसमें थोड़ा सा चिकन वगैरह डाल देते हैं, और या एक कप नूडल उसमें पानी डाल के वो खा लो, जैसे ये लोग पसंद करते हैं ना, यहाँ छोटे बच्चे हैं ना अभी बड़ी क्लास में जाएंगे फिर खरीद सकते हैं जाकर, अभी तो घर से लेके जाती है जो इसको पसंद है, कभी कभी जल्दी आ जाती है, और मैंने लगाया इसको काम पे, मैं थक गई, अभी अरमान ने थोड़ी सी रोटी खा ली है, चलो अभी देखने लगा आई फोन, फोन देखेगा थोड़ी देर तो चलो रेस्ट मिलेगी, खाना भी खा लिया थोड़ा, मैं भी बस आज रेस्ट ही करूँगी, मैंने सोचा था आज मैं सूट काट दूँगी पर अरमान ने काटने नहीं दिया, बाहर गए तो अलीजा आपको पता है आज मेरा बैंक कार्ड गिर गया वहाँ पे, जहाँ पे ब्रिज ने मैंने वहाँ पर कैमरा निकाला, मैंने ऐसे मेरी जेब है जैसे ये जेब है दो वैसे मेरे कोट की जेब है ना, तो वहीं पर गिर गया बेटा, हाँ मेरे को लगता पानी में गिर गया या कोई ले गया, तो फिर हमने ब्लॉक कर दिया कार्ड को, फिर हम लोग घर पर आए भाग कर, कहीं घर पे तो नहीं गिरा, पापा इतना भागे, और उसके बाद फिर हमने ब्लॉक किया, फिर नया कार्ड ऑर्डर किया, अभी नया कार्ड आएगा, सुबह सुबह इतनी परेशानी हुई, एक तो पहले से मैं लेट थी, मैंने सोचा अरमान आ जाएगा, फोन पर बेटा पैसे मेरे को पता हम लोग करते हैं, हाँ नहीं मेरे ऐसे था, मैंने ऐसे कैमरा निकाला, मैंने कहा आप लोगों को दिखाती हूँ, बारिश हो रही है इतने में मेरे वो साथ में ही आ गया, नहीं वैसे ही बंद हो गया, हमारे पास ऑनलाइन है ना, उसी टाइम मैंने साहब को बोला, मैंने कहा ब्लॉक करो, कर दिया बेटा, फिर साहब नीचे भी देख कर आए पर नहीं मिलता, क्या पता कोई ले गया होगा ना, पता नहीं चलता कभी कभी, तो फिर मैं दोबारा से ग्रोसरी लेकर आई, अलीजा तो आई आज 2 बजे आकर अपना होमवर्क बनाने लगी, कोई बात ही नहीं की पाए,
मैंने इसके साथ हो गया, बस कर दो, चलो फिर फिनिश कर दो, फिनिश कर दो। हाँ रीजा का टॉप बहुत ही प्यारा है, रीजा मेरे को बहुत प्यारा, मेरे पास भी था, आज मैंने पुरानी फोटो देखी, याद आपको है? मासी एक बार मेरे लिए टॉप लेके आई थी व्हाइट कलर का, याद है, बिल्कुल सेम ही था। तो आज के लिए इतना ही, अभी मैं करती हूँ दूध गर्म बच्चों का, मैं एक बार दूध गर्म कर दूँ फिर बैठ जाऊंगी, तो फिर जब इनको सोना होगा पहले पी लेंगे और उसके बाद फिर सोने जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, बाय बाय, बाय बाय, सब्सक्राइब।